हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमारे मेंस डे में हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था ओवर द वीकेंड, वो था हाउ डज हुमायूंस टूम्ब सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द ताजमहल। तो आज डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले आप दो तीन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिख सकते हैं हुमायूंस टूम्ब के ऊपर। तो हुमायूंस टूम्ब वॉज बिल्ट इन 1569 फॉर हुमायूं बाई हिज विडो हाजी बेगम, अबाउट 85 ईयर्स बिफोर द ताजमहल। ठीक है, राइट, ऐसी लाइन लिख सकते हैं आप अगर चाहते हैं, अगर आप क्रोनोलॉजी दोनों की कंपेयर करना चाहते हैं। अ कंपेरिजन ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स हमें बताता है कि कैसे मुगल्स ने परफेक्ट करा अपना एक ओरिजिनल डिज़ाइन टू क्रिएट दिया मास्टरपीस ताजमहल। तो सबसे पहले उन्होंने हुमायूं टूम्ब बनाया, उसके बाद इस डिज़ाइन को परफेक्ट करते करते ताजमहल तक पहुँचे। तो ये मल्टीपल टाइप की मैंने इंट्रोडक्टरी लाइंस यहाँ पे ऐड करी हैं, तो यू कैन राइट द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू फील मोस्ट कंफर्टेबल इन। अगर आप ये दोनों नहीं लिखना चाहते तो आप हुमायूंस टूम्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हुए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इट वॉज द वेरी फर्स्ट पर्शियन स्टाइल गार्डन टूम्ब बिल्ड इन इंडिया, कि ताजमहल भी एक गार्डन टूम्ब ही है, राइट? तो सबसे पहला गार्डन टूम्ब हुमायूंस टूम्ब था। जो गार्डन है वो गार्डन ऑफ पैराडाइज रिप्रेजेंट करता है, और पर्शियन चार बाग टाइप का एक गार्डन है कि चार गार्डन्स हैं, राइट? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये चार गार्डन्स हैं और यहाँ पे नदी बह रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हुमायूंस टूम्ब है और ताजमहल भी है। तो ये एक कुरानिक इंस्क्रिप्शन से या कुरानिक जो लिखा हुआ है चीज़ें कि पैराडाइज ऐसा होगा, जन्नत ऐसी होगी, उससे काफ़ी मिलता है ये डिज़ाइन कि गार्डन्स होंगे और नदी बह रही होगी आपके नीचे गार्डन्स के साथ। तो ये इट इज़ काफ़ी रिलीजन इंस्पायर्ड डिज़ाइन। तो चार बाग्स हैं चारों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यहाँ पे वाटर फ्लो करता है अक्रॉस देम, राइट? सेम मॉडल ताजमहल में भी है। पर्शियन इंस्पायर्ड गार्डन्स सराउंडिंग हुमायूंस फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ऊपर जैसे दिखाया, बाय कॉजवेज। एट द सेंटर ऑफ ईच कॉजवे इज अ शैलो वाटर चैनल जो कि पूल से कनेक्टेड है, राइट? तो वेरी वेरी इस्लामिक डिजाइन ये है। देन बिल्डिंग इज टॉप्ड बाय अ पर्शियन डबल डोम, अगर आपने फोटो देखी हो कभी हुमायूं टूम्ब की। एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन मॉन्यूमेंट टू यूज सच एन आर्किटेक्चरल टेक्निक, और सेम जो डबल डोम है ये ताजमहल में भी पाया जाता है। डोम्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं हम देखते हैं आगे, बट इट इज ऑल्सो अ डबल डोम फिगर दैट इज फाउंड। सिमिलैरिटीज देखते हैं क्या है। सबसे पहले दोनों का फसाड जो है वो कंपेयर करते हैं कि दिखते कैसे हैं दोनों सेम तरीके से। बोथ हैव लार्ज रेक्टेंगुलर पिस्टैक एंट्रेंसेज जिनका टॉप है इट ब्रेक्स अबव द रेस्ट ऑफ द फसाड। फ्रेम जो है पॉइंटेड आर्च इवन नीशेज हैं। अगर आपको मैं समझाऊं तो ये, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, अगर आप इमेजिन याद कर सकते हैं या अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं आप दोनों की फोटो खोल सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है दोनों के एंट्रेंसेस पे जो कि इस लाइन में लिखा हुआ है। समरकंद उज़्बेकिस्तान, जहाँ से बाबर ओरिजिनली हैं, राइट, फरगना से, तो वहाँ पे एक उलेग बेग का एक टूम्ब है, वहाँ पे ये डिज़ाइन पाया जाता है, ये डिज़ाइन जो कि हम हुमायूंस टूम्ब में भी हमने देखा, ताजमहल में भी यही फ्रंट पे डिज़ाइन है। दोनों के लार्ज बल्बस डोम्स हैं दैट राइज अबव द टूम्ब एट द सेंटर। तो यहाँ पे बल्बस डोम्स हैं दोनों के। अगर आपके सामने इमेज होगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। दोनों डोम्स जो हैं दे फीचर हिंदू इंस्पायर्ड छतरी पेविलियंस,
डोम्स के ऊपर ये छतरी लगी हुई है, इफ़ यू आर फेमिलियर। दे हैव कैम्फर्ड कॉर्नर्स दैट गिव इम्प्रेशंस ऑफ डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद इस तरीके से थोड़ा 3D अगर आप इमेजिन करें, पीछे की तरफ कर्व होती हुई दीवार है जो कि डेप्थ का इम्प्रेशन देती है। दे सिट ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स जो कि उनकी इम्पोर्टेंस सिंबलाइज करता है, ये आप फेमिलियर हैं कि दोनों एक हाइट पे बने हुए हैं। देन ये हो गए फसाड कंपैरिजंस। लेआउट में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, दोनों टूम एम्प्लॉय करते हैं अ नाइन फोल्ड प्लान कि 8 रूम्स हैं और एक सेंट्रल चेम्बर को सराउंड करते हैं वो 8 कमरे, और जो टूम है वो एब्सोल्यूट सेंटर में है और रूम्स जो हैं ऑक्टोगोनल हैं। ऑक्टोगोनल की क्या सिग्निफिकेंस है, ऑक्टोगोन रिप्रेजेंट करता है अ मिडल स्टेट बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्क्वेयर। सर्कल जो कि सिंबॉलिक ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड है और स्क्वेयर जो कि सिंबॉलिक ऑफ अ ह्यूमन वर्ल्ड है, और इट इज़ यूज टू डेजिग्नेट सेक्रेड एरियाज। तो ऑक्टोगोनल डिज़ाइन की भी सिग्निफिकेंस है। डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, ताज महल पे कुरानिक इंस्क्रिप्शंस हैं जो एक नैरेटिव देती हैं विजिटर को, और ये हुमायूंस टूम पे नहीं पाई जाती। देन कलर स्कीम में डिफरेंस है, हुमायूंस टूम में मार्बल बहुत स्पेरिंगली यूज़ किया गया था, लिमिटेड यूज़ किया गया था और की फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन ताजमहल जो है इंटायर टूम मार्बल का बना है तो वाइट है। हुमायूंस टूम का जो फसाड है ऑक्टोगोनल विंग्स हैं उसके दैट फ्लैंक द एंट्रेंस, और ये जो ऑक्टोगोनल विंग्स हैं ये प्रोजेक्शंस ताजमहल पे नहीं हैं। देन द डोम चेंजेस फॉर्म, दोनों का बल्बस डोम है लेकिन ताजमहल का जो डोम है इट इज़ मोर एलिवेटेड, बहुत ऊपर उठा हुआ है हुमायूंस टूम से अगर आप दोनों की फोटो कंपेयर करें, एंड सिग्निफिकेंटली मोर बल्बस, ज़्यादा फूला हुआ है, राइट। देन हुमायूंस टूम इंकरेजेस विजिटर्स टू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर वाइल ताज इंकरेजेस अ रोटेशन अराउंड द सेंट्रल टूम। तो इसका क्या है, हुमायूंस टूम ऐसे बना है रफली, तो यहां से आउटवर्ड को प्रोजेक्शंस हैं, आपको कहता है कि आउटवर्ड जाओ आप सेंटर से। ताजमहल ऑन द अदर हैंड इज मोर सर्कमएम्बुलेटरी, वो इस तरह से कुछ मूवमेंट इंकरेज करता है। तो ये हैं दोनों में डिफरेंसेस, ऊपर हमने डिस्कस किए थे दोनों की सिमिलैरिटीज। सो दिस वाज मेंस क्वेश्चन फॉर द डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट मेंस क्वेश्चन फॉर द डे। अंटिल देन थैंक यू सो मच।